बिहार के बगहा में हरना तांड क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना घटी, जब त्रिवेणी कैनाल नहर में मछली पकड़ने गई 14 वर्षीय युवती सुगंधा कुमारी पर मगरमच्छ ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मगरमच्छ ने सुगंधा के हाथ को अपने जबड़े में दबोच लिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने लाठी डंडों से मगरमच्छ पर हमला कर युवती को बचाने की कोशिश की। ग्रामीणों के शोर मचाने और हमले के बाद मगरमच्छ ने युवती को अपने जबड़े से छोड़कर पानी में गुम हो गया, लेकिन तब तक सुगंधा को गंभीर रूप से घायल कर चुका था। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बिहार के बगहा की यह तस्वीर है। घायल अवस्था में सुगंधा को तुरंत हरना टांड के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे अनुमंडलीय अस्पताल बगहा रेफर कर दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सुगंधा को बेहतर इलाज के लिए बेतिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMCH रेफर कर दिया। सुगंधा की पहचान सोहरिया गाँव निवासी हीरालाल मुसहर की बेटी के रूप में की गई है। डॉक्टर राजीव कुमार ने इस मामले में बताया कि मगरमच्छ के हमले में सुगंधा का दाहिना हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। युवती के दाहिने हाथ को बचाने के लिए तत्काल इलाज जरूरी है, इसलिए उसे GMCH बेतिया रेफर किया गया है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद मगरमच्छ नहरों में आ गए हैं। इस क्षेत्र में पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। मगरमच्छ के हमले से स्थानीय लोग डरे हुए हैं और दहशत का माहौल है। बेतिया से A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।